तो वही भिंड में परीक्षा में नकल नहीं रुक रही है, सामूहिक नकल का वीडियो सामने आया है। आपको बता दें कि लहार, दबोह और अटेर में सामूहिक नकल का यह मामला सामने आया, जहां बीए बीएससी की परीक्षा में खुलेआम नकल चल रही है। खिड़की पर चढ़कर लोग नकल करा रहे हैं, वहां पर गाइड, हेल्प बुक्स, चिट, फर्रे क्या नहीं उपलब्ध है, ये देखिए तस्वीरें। और इतनी बद इंतजामी तो सामान्य कक्षा में नहीं होती जितनी ये एग्जाम में हो रही है। देखिए चिट्स चलाई जा रही हैं, हेल्प बुक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और घूम घूम कर पलट पलट कर दाएं बाएं जहां से मिले ज्ञान बटोर कर आंसर शीट पर उतारने का प्रयास। और दरवाजों के ऊपर चढ़े हुए लोग, खिड़कियों के ऊपर चढ़े हुए लोग भी दिखाई दे रहे हैं। ये पूरा मामला भिंड से सामने आया, जहां अभी भी प्रशासन की नाक के नीचे इस तरह से परीक्षा दी जा रही है, जिसमें बीए बीएससी के ये छात्र हैं। महादेव सट्टा ऐप मामले में अपडेट आया है, 18 जुलाई तक पुलिस रिमांड में सहदेव यादव रहेंगे। दरअसल कोर्ट ने निलंबित कांस्टेबल को रिमांड पर लिया है और अब ईओडब्ल्यू 7 दिन तक इससे पूछताछ करेगी। 18 जुलाई तक पुलिस रिमांड में सहदेव यादव रहेगा। निलंबित कांस्टेबल को पुलिस रिमांड पर अदालत ने भेजा है, पूछताछ में बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। बहरहाल देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ और तथ्य सामने आते हैं। और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अब तक जो अपडेट सामने आई है वो ये कि 18 जुलाई तक सहदेव यादव को रिमांड पर रखा जाएगा। और बढ़ते आगे जगदलपुर से एक बड़ी खबर। जगदलपुर में हत्या के आरोपी का जुलूस निकाला गया। आरोपी ने अपनी ही मां और अपने ही भाई की निर्मम हत्या कर दी थी। पुलिस ने जुलूस निकाला है आरोपी का और ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं, ये आरोपी जिसने अपने माँ और भाई की हत्या की थी। दरअसल सिगरेट के लिए पैसे को लेकर और सिगरेट नहीं पीने को लेकर जब मना किया गया इसको, तो इसने गुस्से में आकर अपनी माँ और अपने भाई की ही हत्या कर दी। और ऐसे ही कुछ और भी आरोपियों की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहाँ एक नहीं बल्कि कई आरोपियों का जुलूस निकाला गया। अपनी मां और भाई की हत्या एक जो मुख्य आरोपी है उसने की थी, पुलिस ने आरोपी का जुलूस निकाला। बैतूल में ताप्ती जन्मोत्सव से पहले नया विवाद शुरू हो गया है। दरअसल प्रशासन ने श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी। अब ताप्ती मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक रहेगी तो मंदिर में दर्शन करने कैसे जाएंगे? अब ऐसे में यहाँ मंदिर के जर्जर होने का हवाला दिया जा रहा है कि किसी वजह से मंदिर की स्थिति ठीक नहीं है और ऐसे में दर्शन न हो, किसी हादसे की आशंका के चलते ये फैसला लिया गया प्रशासन के द्वारा और प्रशासन के अब इस फैसले का विरोध हो रहा है। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों में बहस भी हुई है। कल ताप्ती जन्मोत्सव पर मुलताई में बड़ा आयोजन होना है। बैतूल में ताप्ती जन्मोत्सव से पहले एक नया विवाद, प्रशासन ने श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी है और हवाला ये दिया है प्रशासन ने कि अभी जर्जर है स्थिति है, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, इसलिए एहतियात के तौर पर प्रवेश पर रोक लगाया गया है, लेकिन श्रद्धालुओं में आक्रोश है। और बढ़ते आगे, मुंगेली में एक दुकान में भीषण आग लगने का मामला सामने आया। दुकान का सामान इस आग में स्वाहा हो गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। आग से लाखों का नुकसान हुआ है और कितना नुकसान हुआ, कहां कहां पर आग फैली, ये तस्वीर आप देखिए। मुंगेली में दुकान में भीषण आग लगी और सारा सामान जलकर राख हो गया। और हैरान करने वाली बात थी कि बीच बारिश में ये आग लगी और धू धू कर ये पूरी दुकान जल उठी। मुंगेली से ये सामने भीषण तस्वीरें आई हैं, हालांकि बाद में आग पर काबू पा लिया गया। एमपी सरकार ने नाइट कल्चर को बढ़ावा देते हुए प्रदेश के बड़े शहरों में नाइट कल्चर लागू करने का फैसला लिया था, लेकिन अब सरकार इंदौर में लागू नाइट कल्चर को बंद करने पर विचार कर रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा के अनुसार कलेक्टर आशीष सिंह ने बड़ा फैसला लेते हुए रात में बाजार दुकानों को खोले जाने के आदेश को निरस्त कर दिया। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि कुछ सीमित स्थानों पर जैसे बस स्टैंड,
रेलवे स्टेशन इसके आसपास तक इसे लागू रहने दिया जाएगा और इसके संशोधित आदेश जरूर जारी किए जाएंगे, जो कि नाइट कल्चर को कुछ समय के लिए बंद किया जा रहा है या फिर हमेशा के लिए, ये देखने का विषय होगा। चूंकि इंदौर अमूमन रातों को सड़कों पर जरूर निकलता है और जिस तरह से 56 भोग वाला जो पूरा एरिया है वो तो लगभग आधी रात से भी ज़्यादा देर तक चलता ही है, लोग आते हैं वहाँ पर घूमने फिरने के लिए। बहरहाल प्रशासन की तरफ से आदेश जारी किया जा रहा है।